नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर, आपके साथ मैं हूं मुस्कान अग्रवाल। जैसे कि सभी जानते हैं कि 31 तारीख को दीपावली का पर्व मनाने जा रहे हैं हम सभी लोग। भारत में दीपावली की धूम अलग ही देखने को मिलती है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में, जहां दीपावली की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस साल दीपावली की तैयारियों में क्या कुछ है। आपका नाम? फैजान मंसूरी। सर, दीपावली की क्या कुछ तैयारियाँ हैं इस साल? तैयारी तो अच्छी है, लेकिन महंगाई की वजह से लोग थोड़ा अपना हिसाब किताब में थोड़ा कमी कर रहे हैं। वो बाकी सब त्यौहार तो हर साल आते ही हैं, लेकिन इस साल थोड़ा कमी माहौल लग रही है महंगाई के चक्कर में देखा जाए तो। क्या सिर्फ महंगाई के कारण है कि ऑनलाइन मार्केट का भी असर? हाँ, कुछ को ऑनलाइन का भी रहता है, कुछ महंगाई का रहता है। कोई कस्टमर आते नहीं है, कोई कस्टमर ऑनलाइन सामान मंगा लेते हैं, उससे दुकानदारी को भी थोड़ी दिक्कत आती है। आम जो गरीब इंसान होते हैं जिनका रोजगार सिर्फ अपना त्यौहार बना ले उससे अपना व्यापार करके, ऑनलाइन की वजह से कुछ सामान खरीद नहीं पाते। क्या मोल भाव का भी कोई कारण है जिसकी वजह से दुकानदारों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है? मोल भाव तो हर कस्टमर करते ही है, किसी भी कस्टमर छोटा हो बड़ा कस्टमर मोल भाव करके सामान लेता ही है, फिक्स का काम ही नहीं है यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दिखाते हैं आपको कुछ और दुकानें और क्या कुछ तैयारियाँ हो रही हैं, हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाई बताशे, हर वो सामान जो दीपावली में ज़रूरत होती है वो होती है। बात कराते हैं आपको कुछ दुकानदार से और बताते हैं। सर, आप? मैं वो मंसूरी। आपकी इस बार की दिवाली की तैयारियाँ कैसे चल रही है? इस बार तो स्लो, सब महंगाई की वजह से बहुत स्लो चल रही है अभी। क्या सिर्फ महंगाई कारण है कि ऑनलाइन मार्केट भी अब असर कर रहा है? ऑनलाइन भी कर रहा है, ऑनलाइन भी उसकी वजह से भी है। पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस साल का मार्केट कैसा? जीरो पे, दो महीने के अंदर हर चीज़ इतने रेट बढ़े हुए हैं कि तेल मिर्ची मसाला नमक मिर्ची आटा तिल सब चीज़ रेट बढ़े हुए हैं हर चीज़ के लिए। त्यौहार है तो हर चीज़ का खर्चा होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपावली में सिर्फ घर सजाने का त्यौहार नहीं है, लोग अपने आप पे भी बहुत खर्च करते हैं, चाहे वो कपड़े हो, मेकअप हो, एक्सेसरीज हो, हर चीज़ की अलग ही दुकान लगी हुई है। क्या आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के रंगों से ये दुकान सजी हुई है। हर प्रकार के जो रंग है वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर रंग, हर मशीन जो आपको रंगोली के लिए ज़रूरत है वो यहाँ पर उपलब्ध है, चाहे वो अलग अलग प्रकार के सांचे हो गए हैं या ये डिब्बियाँ हो गई हैं, छन्नियाँ हो गई हैं, शुभ लाभ पदचिन्ह हो गए हैं, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। आपकी बात कराते हैं और पूछते हैं कि इस बार क्या कुछ नया है। सर, इस बार रंगोली में क्या कुछ नया है? कुछ नए नहीं, जो डिज़ाइनें आती हैं या जो वाली ये ज़्यादा चल रही है डिज़ाइनें, जो पुराना है वही चल रहा है, लेकिन डिज़ाइनें नई नई आ जाती है इसके अंदर और कलर कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। और किस हिसाब से रेट चल रहा है? 30-40 रुपए किलो रेट चल रहा है रंगोली का इस टाइम। कोई नए कलर है या कोई नया टाइप का टेक्सचर है रंगोली में? नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, जो नेचुरल जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है वही चल रहा है। और मार्केट में कोई डिफरेंस आया है पिछले? मार्केट में तो ये है कि आखिरी महीने दिवाली है तो थोड़ा सा धंधा थोड़ा सा कम है, और कुछ नहीं है, पिछली बार से थोड़ा सा कम है धंधा इस बार। आइए चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है इस बार दिवाली में न्यू मार्केट में। आइए बात करा दें कुछ ग्राहकों से जो अपनी दीपावली की शॉपिंग यहाँ करने आए हैं। पिछली बार के हिसाब से मार्केट कैसा है आपके हिसाब से? इस बार थोड़ा डल लग रहा है, पिछली बार बहुत ज़्यादा अच्छा था। आपने ऑनलाइन शॉपिंग की बस अभी ऑफलाइन कर रहे हो आप? ऑफलाइन ही कर रहे हैं। ऑनलाइन उतना प्रमोट नहीं करते? नहीं नहीं करते हैं, पर दूसरी चीज़ों के लिए। कोई मैसेज है जो आप व्यूअर्स को देना चाहोगे इस दिवाली के लिए? नहीं, बस आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी दिवाली। चलिए, थैंक यू। आइए आपको दिखाते हैं कि और कुछ क्या स्पेशल है दिवाली में न्यू मार्केट में। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लटकन है, झालर है, दिवाली में आपका घर सजाने के लिए हर वो सामान जिसकी ज़रूरत है आपको वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे पीछे है गणेश लक्ष्मी जी की बहुत सारी मूर्तियाँ जो कि पूजन के लिए हर कोई ख़रीदता ही है। कैसे आप देख सकते हैं, हर टाइप की वैरायटी इस बार न्यू मार्केट में उपलब्ध है। और देखिए कितने सुंदर सुंदर हर साइजेस में अवेलेबल है गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ। जैसे कि आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं, इस वक्त बहुत भीड़ लगी हुई है दिवाली की शॉपिंग के लिए। लोग न्यू मार्केट में बहुत सारे लोग आ रखे हैं, चाहे वो कपड़े हो, एक्सेसरीज हो, लाइट्स हो, बहुत ज़्यादा भीड़ इस वक्त न्यू मार्केट में मौजूद है। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं और क्या कुछ स्पेशल है न्यू मार्केट में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मिट्टी के दियों की दुकान लगी है, ना केवल सादे दिए बट अट्रैक्टिव डिज़ाइंस में और कलर में भी अवेलेबल हैं, साथ में लटकन, शुभ लाभ और पोस्टर्स भी अवेलेबल हैं। बाजार पूरी तरह से सजा हुआ है और औरतें अपनी सजावट का सामान लेने के लिए मार्केट में आ चुकी हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी शॉप्स और बात कराते हैं कुछ लोगों से, पूछते हैं कि उनकी इस बार की दिवाली की तैयारियाँ कैसे कुछ चल रही है। मैम, आपका नाम? नाम चंचल मकोरिया। मैम, आप अभी मार्केट में क्या कुछ लेने के लिए आए हो, क्या कुछ आपके प्लान्स हैं? हम लोग बच्चों के कपड़े और डेकोरेशन का सामान
और लाइटिंग वगैरह दिए, सारा शॉपिंग करने आए बच्चे, ये मेरे बच्चे हैं। क्या कुछ इस बार आपके प्लान्स है दिवाली के लिए? पटाखे लेने हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए पटाखे और मिठाई और डेकोरेटिव लाइट्स और बहुत और भी वॉलपेपर वगैरह जो भी शॉपिंग करने आए हैं सारी। बेसिकली आप क्या कोई बजट सेट करके आए हो इस बार? हाँ, बजट तो सेट करके आए हैं, बिना बजट के कैसे शॉपिंग करेंगे। तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लिए कि सिर्फ ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हो? नहीं, हम ऑनलाइन ऑफलाइन ही शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन नहीं करते? ऑनलाइन नहीं जमता हमको। ऑनलाइन ना करने की कोई वजह? ऑनलाइन में क्या है कि ज़्यादातर फ्रॉड होते हैं, मतलब बिलीव नहीं करती मैं ऑनलाइन शॉप। ट्रस्ट इशूज़ हैं? और यहाँ से आप पहले से शॉप कर रहे हो? हाँ, क्वालिटी वगैरह भी अच्छी नहीं, लेकिन यहाँ न्यू मार्केट में हम लोग अक्सर आते रहते हैं, तो हमें यहाँ की ही शॉपिंग अच्छी मतलब परफेक्ट लगती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे रंगारंगीन दुकानें लगी हुई हैं, अलग अलग प्रकार के पोस्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, साथ ही शुभ लाभ हो गया, स्टिकर्स हो गए, वो सारी चीज़ें जो आपको आपकी दिवाली पूजा के लिए लगेंगी वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मैम, आपकी दिवाली की शॉपिंग कैसे? अभी बस मार्केट में आई हूँ। क्या कुछ कुछ लिया आपने अभी? बस यही लिया है, अभी स्टिकर लिया है। क्या कुछ लेने के लिए आई है? क्या कुछ प्लान है आपका लेने के लिए? अब देख रहे हैं, अभी घर के सामान, सजाने उजाने के सामान। महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या कोई बजट है जो आप सेट करके लाए हो कि ये सामान पिछले? बस दो चार चीज़ें गिन के आई हूँ कि बस उतना ही लेना और कुछ नहीं लेना है। अच्छा, आपने ऑनलाइन कोई शॉपिंग किया अभी? नहीं, अभी कुछ नहीं की है। आपको क्या लगता है कि ऑफलाइन के मुकाबले जो ऑनलाइन मार्केट है वो आपको ज़्यादा फीसेबल और सस्ता लग रहा है, या फिर जो ऑफलाइन मार्केट है जहाँ आप जा रही हैं और ख़रीद रही हैं वो आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है? तो अपना मेरी कुछ कुछ दुकानें हैं, वहीं से मैं सामान लेती हूँ, वहीं से ले जाती हूँ। जैसे कि आपने देखा कि दिवाली की शॉपिंग ज़ोरों शोरों से है, लेकिन ग्राहक अपना बजट बनाकर इस बार मार्केट आए हैं, कारण महंगाई। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि इस बार वोकल फॉर लोकल हो जाइए, हमारे लोकल लोगों से सामान खरीदिए, और वी विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। मुस्कान अग्रवाल, कैमरामैन गौरव के साथ।